प्रोपीन लेता हूँ, प्रोपीन मतलब प्रोटीन, मतलब तीन कार्बन, तो तीन कार्बन वाला यूनिट लोगे उसमें से एक हाइड्रोजन आप बाहर निकालोगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के वहाँ पे जोड़ दिए ब्रोमिन, तो वो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड पहले पड़े एक दो और ये तीन, ठीक है, पहले नंबर पे क्या जुड़ गया, ब्रोमो, इसीलिए वन ब्रोमो, कितने कार्बन है तीन और एक डबल बॉन्ड, तो इसीलिए प्रोपीन, तो वन ब्रोमो प्रोपीन हो गया। या फिर बीच में भी जोड़ सकते, आपने कहाँ जोड़ा था, पहले पोजीशन पे, आप दूसरे पे भी जोड़ सकते हैं, दूसरे पे जोड़ोगे क्या नाम हो जाएगा, टू ब्रो टू ब्रोमो प्रोपीन, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से बन सकता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग हम युग्मन बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आप देख सकते हो, करना क्या है, एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे जोड़ देना है एक्स, फिर से एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे फिर से जोड़ देना है एक्स, मतलब कोई सा भी हल हो जाएगा, तो बन जाएगा वन टू डाई हेलो इथाइन, दो कार्बन है, आयन कब जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड पे, इन कब जुड़ता है, डबल बॉन्ड पे, एन कब जुड़ता है, जब सिंगल बॉन्ड हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, इसका क्लासिफिकेशन देख लो, यदि एक परमाणु प्रतिस्थापित हो तो मोनो हाइड्रोजन उत्पन्न, दो परमाणु हो तो डाई, तीन में ट्राई, चार में टेट्रा, पांच में पेंटा और पांच में अधिक जाते हैं तो उसको जनरली पॉली कहते हैं, एक सिंपल से इसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिएगा एल्किल हैलाइड का बहुत अच्छा उदाहरण है, C2H5I, दो कार्बन है, मतलब हो जाएगा एथिल, और इसके साथ क्या जुड़ा है, आई मतलब आयोडीन, तो एथिल आयोडाइड, यदि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कितने ब्रोमीन, दो, तो एथिल ब्रोमाइड है यहाँ पे, फिर है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, अलग अलग उदाहरण दे के समझाया गया है। कुछ यदि धात्विक हैलाइड की बात करोगे तो सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर एलुमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड से बोल देते हैं, तो इस प्रकार से इसके उदाहरण है अलग अलग नाम की चीजों पे आते हैं, इनका नामकरण, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, फिर ब्यूटिल हैलाइड, जो जुड़ा है उस हिसाब से नाम दोगे, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, एक्स मतलब हैलाइड, आई मतलब आयोडाइड, ठीक है, तो इस प्रकार जैसा जुड़ा है उस हिसाब से उसका नाम दूंगा, तो ये इसका बेसिक नॉमेनक्लेचर हो गया। अभी हम देखते हैं इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं। मैंने बताया था जो मुख्य कार्बन होता है जिससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो उससे कितने कार्बन जुड़े हैं ये आपको देखना होता है। पहला उदाहरण देखिएगा, मुख्य ग्रुप एक्स किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए कितने अन्य कार्बन है, सिर्फ एक, एक आर मतलब एक एल्किल ग्रुप है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरे वाले में ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है वो कितने आर से जुड़ा है, दो, मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये जो कार्बन है वो कितने आर से जुड़ा हुआ है, तीन, एक दो और तीन, तो इसीलिए तृतीयक एल्किल हैलाइड, इस प्रकार से होता है। तो इसी का एक उदाहरण देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ बताया गया है कौन सा प्राथमिक होगा, कौन सा द्वितीयक, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक से जुड़ा है, बस ये वाले बस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। ये जो बीच वाला है, यही वाला, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक कहलाएगा, वहां में उसने गलत छाप दिया है, तृतीयक है ये वाला, तृतीयक है। उसी प्रकार से इसको देखोगे तो ये वाला कितने से जुड़ा हुआ है, चार से जुड़ा है, एक दो तीन और चार, तो जब चार से जुड़ा होता है तो हम उसको क्वार्टरनरी कहते हैं, यहाँ तीन लिखा हुआ है ना, ये गलत है, ये क्वार्टरनरी मतलब चार, और ये जो कार्बन देख रहा है कितने से जुड़ा है, दो से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए सेकेंडरी होगा। तो इसमें गलत गलत छपा है, मैं आपको एक नया उदाहरण देता हूँ, उसमें से आप समझिएगा, ठीक है। यदि मेरे पास इस प्रकार से बना हुआ है समूह, आप लोग खुद से ही समझिएगा इसको, ये आर, ये आर, अब बताएंगे इसमें कौन कौन सा क्या है। तो देखिए पहला वाला, ये कितने से जुड़ा है, एक आर से इधर, एक कार्बन से इधर, मतलब कितने हो गए, दो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रुप। उसके अभी बीच वाला कार्बन देखिए, ये कितने से जुड़ा है, एक सी इधर, एक सी इधर, तो कितना हो गया, दो, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रुप। फिर उसके बाद इस कार्बन को देखिए, ये एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी। इस उदाहरण में सबके सब
सेकेंडरी कार्बन है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सेकेंडरी कब होता है, प्राइमरी कब होता है और टर्शियरी कब होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखते हैं इनका नामकरण में आएंगे, उससे पहले इसी देख लो कितने कार्बन है, गड्ढा होता है उस हिसाब से हम उसका नाम देते हैं। देखिए कार्बन की संख्या इस वाले उदाहरण में कितनी है, चार का उत्पन्न है ब्यूटेन का, तो इसीलिए चार कार्बन और इनके बीच जो एक हाइड्रोजन था, ये वाला जो एक्स की जगह हाइड्रोजन था उसको हटा के एक्स जोड़ा गया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ब्यूटिल हैलाइड। का नाम क्या हुआ, ब्यूटिल हैलाइड। इस वाले में देखिएगा यहाँ पे X जो है कहाँ जुड़ा है, बीच में जुड़ा हुआ है। जब वो बीच में जुड़ा होता है तो उस कंडीशन पे हम ये देखेंगे कि उसका नाम कैसे पड़ेगा। तो कार्बन कितने हैं, चार ही हैं, एक है, दो है, तीन है, चार, चार कार्बन है, चार मतलब ब्यूटेन। ठीक, अब देखिए ये X बीच में जुड़ा है, ये बीच वाला जो है वो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, दो से जुड़ा है, मतलब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीय। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक ब्यूटिल हैलाइड। इसी प्रकार से ये एक्स जो है ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। तो ये इस प्रकार से इनका एग्जांपल है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का। आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे, आईयूपीएसी नाम में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा जो नाम है उसको चेंज करना है, बस ये देखना है किसका यूनिट है वो। तो देखिएगा H3Cl को हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, जब IUPAC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, इस प्रकार से नाम देते हैं। तो क्लोरो कितने कार्बन, एक कार्बन मतलब मेथिल, तो क्लोरो मेथिल। ठीक, इसका नाम देखिएगा ये कौन सा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, दूसरे पे, तो टू क्लोरो, और उसके बाद कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तो इसीलिए प्रोपेन, तो टू क्लोरो प्रोपेन हो गया। फिर इसका उदाहरण देखिएगा कितने कार्बन है, चार कार्बन, और क्या जुड़ा है, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो, तो वन ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका एक सिंपल सा नाम होगा। तो इस प्रकार से इनका जो आईयूपीएसी नाम है वो लिखा जाता है। एक बार इसका देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो आईयूपीएसी नाम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, एक लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला कौन सी, एक ये दो और ये दो नंबर पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है और एक मेथिल जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे, टू मेथिल टू क्लोरो प्रोपेन, टू मेथिल टू क्लोरो प्रोपेन, ऐसे गलत छपा हुआ है, पहले टू क्लोरो होना चाहिए। ये जो है आपका अल्फाबेट के हिसाब से उसको हम अरेंज करके रखते हैं, तो टू क्लोरो पहले आएगा, फिर टू मेथिल, उसके बाद आ जाएगा प्रोपेन। तो ये इसका नामकरण हुआ। अब इसमें हम देखते हैं समावयता। समावयता क्या होती है, जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब इनका जिनमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होते हैं, जितने कार्बन एक में है दूसरे में भी रहेंगे, जितने हाइड्रोजन एक में है दूसरे में भी रहेंगे, इस प्रकार से। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, संरचनात्मक जो भिन्नता होती है वो उसमें पाई जाएगी और उसका जो मॉलिकुलर एटम्स होते हैं उनमें समानता पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समावयता। तो ये जो समावयता होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है पोजिशन आइसोमर, तो स्थान समावयता क्या हो सकती है, समझिएगा इसको, नाम क्या बोला है, स्थान, स्थान क्या हो सकता है, दिल्ली मुंबई तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये जो आपने कार्बन का यूनिट लिया हुआ था, इस यूनिट में यदि मान लेते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला दो एटम का सेम है हमारे पास, एक में लेकिन एक्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे, ये पहला ये दूसरा, और दूसरे पे जो एक्स है वो मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा है पहले नंबर से जुड़ा हुआ है, इनमें दोनों में क्या अंतर हुआ, स्थान में अंतर हुआ, पहले किसमें था, दूसरे में था, अभी किसमें है, पहले में है। तो इस प्रकार का जो समावयता होता है जिसमें x का जो स्थान है वो बदल जाएगा, वह स्थान समावयता कहलाएगा। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा इसमें कौन सा नंबर पे जुड़ा है, क्लोरीन पहले पे जुड़ा हुआ है,
कार्बन है इसमें, या फिर हम इसको सीधा सीधा के कह देंगे ड्यूटी क्लोराइड, नॉर्मल नाम जो है ड्यूटी क्लोराइड होगा। अब देखिए इसमें यदि दूसरा उदाहरण को इससे कंपेयर करें इस वाले को, तो इसमें देखिए क्लोरीन कौन से नंबर पे जुड़ा है, दूसरे पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू क्लोरो ब्यूटेन। तो दोनों की संरचना अलग अलग है ना, दोनों की संरचना अलग क्यों है, क्योंकि एक क्लोरीन पहले में जुड़ा है, एक क्लोरीन दूसरे में जुड़ा हुआ है, तो दोनों की संरचना भिन्न है, परंतु इनका यदि सूत्र आप देखोगे बराबर मिलेगा। ये भी CH3 CH2 CH3 लिखा हुआ है, मतलब इसमें हाइड्रोजन गिन लो कार्बन तो चार दिख ही रहे हैं, 3 और 3 6 6 और 3 9 9 इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी देखना है इसके पहले वाले में भी 9 ही हाइड्रोजन रहेंगे, ये 3 फिर ये 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये तीनों का 6 6 और 3 9, इसमें भी कितने हैं 9 है, दोनों को देख लेना, तो 9 9 हुए, 4 कार्बन है, मतलब संख्या तो बराबर है, परंतु इनकी संरचना जो है वो भिन्न थी। कैसी भिन्न थी, इनका स्थान जो था बदल गया था क्लोरीन का, इसीलिए इसको स्थान समावेशा कहा गया। दूसरे नंबर का आता है श्रृंखला समावेशा, जिसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें हम स्थान बदल देते हैं उस यूनिट का ही, जैसे मेथिल ग्रुप का बदल देते। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक श्रृंखला मतलब लंबी एक चेन बनी हुई है, चेन को हम क्या बना देंगे, शाखा युक्त बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखो लाइन बार से एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और चौथा क्लोरीन से जुड़ा हुआ था, इसने क्या किया, जो यहाँ पे लंबी चार लोगों की श्रृंखला थी उसको 3 लोगों को बना दी, और बीच में ही एक और CH3 को ला के यहाँ बीच में जोड़ दिया, तो श्रृंखला टूट गई। मतलब पहले क्या था, पहले एक सिंगल लाइन था, अभी क्या किया उसने लाइन को छोटा किया और बीच में एक डंडी लगा दी, मतलब शाखा बना दी। तो जब एक शाखा बन जाए और एक श्रृंखला एक लंबी लाइन हो, तो इस प्रकार की जो समावयता होती है इसको हम श्रृंखला समावयता या चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको बनाने के लिए, यहाँ से इसका महत्वपूर्ण पार्ट चालू हो जाता है, इधर से अब क्वेश्चन इसके आते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधि है, इस विधि में देखिए एल्किल हैलाइड जब भी आपको बनाना हो आप ध्यान रखो एल्किल हैलाइड होता क्या है, एल्किल मतलब आर, एक्स मतलब हैलाइड, ये बनाना रहेगा। कैसे बनेगा, मुझे आर एक्स को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो आर में से कोई एक एच को बाहर निकाल दूं और एक्स को लाके वहां कैसे भी करके जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। तो पहली जो विधि है वो क्या बताएगी, हम डायरेक्ट एल्केनों के सीधे हाइड्रोजनीकरण से बना सकते हैं। आर एक्स का मतलब क्या होता है, मान लो उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं CH4, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालो और उसमें अब अभिक्रिया करवा दो Cl2 का, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, Cl2 में से एक क्लोरीन को ये जो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन था उसके साथ बाहर निकाल दो, तो क्या बाहर निकलेगा जी, HCl, ठीक, HCl बाहर निकल गया, क्या बचा, यहाँ 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो बाहर निकाल दो, एक और क्लोरीन बचा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 के साथ, तो एक बन जाएगा CH3Cl और एक बाहर निकल जाएगा HCl, उदाहरण दिया मैंने, अब इस उदाहरण किसके हिसाब से देख लीजिए, इसमें जो समझाया गया है RH लिया इसने, उसमें से X2 में से एक X को H के साथ बाहर निकाल दिया और बन गया HX, और जो बचे वापस में जुड़ गए, क्या जुड़ गए, RH, इसी को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। तो इसकी जो सक्रियता का क्रम होगा उसमें सबसे अधिक कार्य करता है फ्लोरीन, फिर उससे कम करता है क्लोरीन, फिर कम करता है ब्रोमीन, सबसे कम करता है आयोडीन, ठीक है। तो इसमें सक्रियता का क्रम क्या बताया गया कि इस अभिक्रिया में जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा फ्लोरीन के साथ होगा, उससे कम क्लोरीन के साथ, उससे ब्रोमीन, फिर उसके बाद सबसे कम होगा आयोडीन के साथ। इसी प्रकार से यदि हम एल्केन की बात करें तो प्राथमिक जो एल्केन होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं, द्वितीयक अधिक होते हैं, तृतीयक और भी अधिक होते हैं, इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। क्लोरीन की रण की अभिक्रिया भी यहाँ बताती थी, देख लीजिए कैसा हुआ, मेथेन लिया उसने, क्लोरीन कणु लिया, उसमें से क्या करेगा, एक क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ बाहर भेज देगा और दूसरे क्लोरीन को CH3 के साथ जोड़ देता है, तो इस हिसाब से क्या बनता है आपके पास, CH3Cl। यदि आप ब्रोमीन लोगे तो क्या मिलेगा, CH3Br, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। दूसरा मेथड है यदि मैं ट्राइमेथिल ब्यूटेन या फिर जिसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, ये वाला देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, एक एच को यहाँ से हटाएंगे, उसकी जगह क्या ला के जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे क्लोरीन। देखिए कैसे जुड़ेगा, Cl2 ले आओ, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करोगे, तो या तो वो यहाँ का एच ले रहे, ये वाला एच, यदि यहाँ का एच लेगा तो ये बनेगा, तो ये बना, तो इसका नामकरण क्या होगा, 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरो है, दूसरे नंबर पे मेथिल है, 2 क्लोरो 2 मेथिल, कितने कार्बन, 3, मतलब प्रोपेन, तो 2 क्लोरो
या तो वो यहाँ से ले लेगा, उस एच को जरूरी नहीं है लेना, वो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ले सकता है। तो यहाँ को लिया तो उस कंडीशन को देखिए सीएल कहाँ जुड़ा है, पहले नंबर पे, तो वो क्या हो जाएगा, वन क्लोरो टू मेथिल प्रोपेन। परंतु ये वाली की जो अधिकता रिएक्शन होती है वो अधिक सक्रिय होती है, मतलब ये तृतीय वाले के लिए वो अधिक सक्रिय रहे। देखिए 80% बना है और ये सिर्फ 20% बना है, तो ये ज्यादा फॉलो करता है, वो कम फॉलो करता है। ये हुआ, नेक्स्ट में चलते हैं। आगे आते हैं आयोडोनीकरण। इसमें आयोडीन को लाके जोड़ेंगे, जैसे कि एसपी को जोड़े थे वैसे आयोडीन को जोड़ दो, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे देखिए CH4 के साथ आयोडीन जोड़ेंगे क्या बनेगा, CH3I, जैसे CH3Cl बना था। इसी प्रकार से हम इसके साथ भी बना सकते हैं, आयोडीन के जो व्युत्पन्न होते हैं जैसे सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो RI आपस में जुड़ जाएगा, NaCl बाहर निकल जाता है, ये अभिक्रिया होगी। ये सिंपल सिंपल अभिक्रिया है, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के संयोग। एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड, कौन सा है, मैंने उदाहरण के लिए क्या लिया है, CH2CH2। ठीक है, यहाँ पे संयोजकता का बहुत बड़ा खेल होता है, इसको फिर से ध्यान दीजिएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार, चार आपको मेंटेन रखना है। इस वाले में देखिएगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, फिर डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन नीचे पे जुड़े हुए हैं, कितने हुए। इस कार्बन की बात करें तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड का है, ये डबल बॉन्ड का है, टोटल कितने, चार, चार संयोजकता ऊपर वाले की, चार संयोजकता नीचे वाले की। अभिक्रिया होने के बाद आपको सेम चीज मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब दोनों की संयोजकता चार चार होनी चाहिए, कैसे होगी, एक साइड पे एच को जोड़ देंगे, एक साइड पे एक्स को जोड़ देंगे, तो एच एक्स को जोड़ेंगे, देखिए क्या बनेगा, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो, क्या बना, CH3 हो गया, ये CH2 वाला, और जो CH2 था वो एक्स के साथ जोड़ गया, तो क्या बन गया, CH2X। नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, दो, मतलब एथिल, और उसके साथ क्या जुड़ा है, हैलाइड, तो एथिल हैलाइड। तो ये एक अभिक्रिया हुई जिसमें हम हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल किसको बोलते हैं, यहाँ पे हैलोजन के साथ एच जुड़ा हो, अम्ल मतलब जो प्रोटॉन दे सके, तो हैलोजन अम्ल की यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको इस प्रकार से एल्किल हैलाइड प्राप्त हो सकता है। देखिए इसका बड़ा बड़ा एग्जांपल भी दिया होगा, एसिमेट्रिक टाइप दिया हुआ है, एसिमेट्रिक वाले में, एसिमेट्रिक मतलब क्या, समान, पहला वाला क्या था, समान था, समान समझो, इसको जितना ऊपर है उतना नीचे है, देखो ऊपर में भी CH2 है, नीचे में भी CH2 है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, समान, मतलब सममित। अब इसको इसमें देखिए, जो इस साइड पे है वो CH2 है, जो इस जो है या तो बीच में जा सकता था या तो ये पहले में जा सकता था, हम किसको प्रेफर करेंगे, द्वितीयक को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो द्वितीयक हैलाइड होते हैं वह अधिक स्थायी होते हैं, तो इसीलिए एक्स जो है बीच में जाके जुड़ना पसंद करता है, देखिए, और बीच से क्या जुड़ जाएगा, Br। तो इस वाले को कहेंगे तृतीयक ब्रोमाइड, क्योंकि बीच में जो कार्बन है वो तीन अन्य कार्बन से जुड़ा है। अब इसका अपोजिट हो जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्या होता है समझिएगा, अभी मैंने क्या कहा है, हैलाइड को क्या करते हैं हम बीच में जोड़ना प्रेफर करते हैं किसी भी रिएक्शन के बीच, जब पेरोक्साइड उपस्थित हो जाता है तो बीच में नहीं जोड़ने देता, वो क्या करता है उसको साइड में जोड़ने को बोलेगा। देखिएगा यहीं पे HBr आएगा, तो वैसे Br को कहाँ जोड़ना था, बीच वाले में, पर क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट आ गया है यहाँ पे, तो Br क्या करता है वो यहाँ जोड़ता है, पहले पे जोड़ता है, देखिए यहाँ पे उसने जोड़ा, तो जब भी याद रखेंगे पेरोक्साइड आएगा इस अभिक्रिया में तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब वो सामने जोड़ता है, और यदि पेरोक्साइड नहीं है तो जो Br है वो बीच में जाके जोड़ना प्रेफर करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एल्केनॉल या एल्कोहल से कैसे बना सकते, बनाना क्या है, आर एक्स से बनाना है, आर के साथ एक्स बनाना है, तो कुछ भी लेके यहाँ पे बना सकते हैं। देखिएगा एल्कोहल ले लिया, आर ओ एच, यहाँ पे हमने दिया था एच सी एल, तो एच और ओ एच को बाहर निकाल दो, एच टू ओ बन के बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा, इधर से आर, इधर से
इसी प्रकार से C2H5OH यदि लेते हैं और उसको HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है आपके पास C2H5CH, वही H2O वहाँ से बाहर निकाल दोगे। जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल है, तो इसमें आप लोग लोड नहीं लेंगे, आसानी से इसको बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। C2H5OH है HBr के साथ लोगे, फिर से वही OH और H को बाहर निकाल दो, जो बचा उसको आपस में जोड़ दो। तो इसकी जो अभिक्रिया होती है, बनाने की अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल होती है और बहुत आसानी से बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये वही स्लाइड है, सेम हो गया। देखिए निर्जलीकरण अभिक्रिया यहाँ पे बताई गई है, कैसा होता है यहाँ पे, क्या है आर ओ एच एल्कोहल है, एल्किल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड लिया गया है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड का जो उपयोग हम करते हैं वो निर्जलीकरण अभिक्रिया में जनरली किया जाता है, मतलब जल के अणु को बाहर निकालने के लिए। तो देखिए के बी आर में से यदि बी आर को मैं आर के साथ जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, आर बी आर, ठीक है। वहां से क्या बच गया ओ एच, और यहाँ से क्या बचा है ये क्या करता है एच टू एस ओ फोर में से एक एच को बाहर निकाल के खुद जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है के एच एस ओ फोर। अब एच टू एस ओ फोर में से आपने यदि एक एच को बाहर निकाला तो वो किसको मिलेगा, इस आर के साथ जो ओ एच जुड़ा हुआ था उसको मिलेगा, तो ओ एच के साथ क्या जुड़ जाएगा एच, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एच टू ओ। तो ये एक सिंपल से अभिक्रिया ये वाली भी होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर ओ एच के साथ पी सी एल थ्री की अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार आपको ये देखने को मिलेगा, इसको समझिएगा। आर के साथ है ओ, आर के साथ है ओ, ओ के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपके पास है पी सी एल, करना क्या है आर के साथ एक क्लोरीन को जोड़ना है, इतना याद रखेंगे। यहाँ पे आर ओ एच की संख्या कितनी दी गई है, तीन दी गई है, और पी सी एल थ्री में क्लोरीन कितने हैं, तीन। तो मैं क्या करूँगा तीन आर को तीन क्लोरीन के साथ जोड़ दूंगा और उसके सामने लिख दूंगा थ्री आर सी एल हुआ, यहाँ तीन आर मैंने लिया, तीन सी एल थ्री लिया, क्या बचा मेरे पास तीन, और उसके साथ क्या जोड़ बचा हुआ है ओ एच, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है सी ओ एच, इतना चीज बचा रहेगा। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखा जाता है क्योंकि डायरेक्ट पी सी एल थ्री का रिएक्शन नहीं होता, तो आर सी एल थ्री तो बने गई हमारे पास, ठीक है। जो ओ था उसको हम लिखेंगे ओ थ्री और यहाँ पर लिखेंगे एफ, तो लिखा मैंने वही है पी ओ एच, ओ एच कितने थे देख लो तीन थे, तो ओ थ्री और एच थ्री। अब इसका जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है एच थ्री पी ओ थ्री ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन हुआ, आर के साथ आपको क्लोरीन को जोड़ना है, फिर जो बच गया उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हम इसका निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं एल्कोहल या थायमिन क्लोराइड के साथ ये बनाया जा सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है, देखेंगे कैसे बनता है। आर ओ एच के साथ एसोसिएटिव की अभिक्रिया करवानी, आर ओ एच के साथ SOCl2 की अभिक्रिया कैसे होगा, बनाना क्या है RCl, पहले बना लो कितने क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन बचा हुआ है, दो क्लोरीन हम हमारे पास था SOCl2 में, उसमें से एक क्लोरीन हम नहीं लेंगे। अब SO2 को अलग कर दो, SO2 कहाँ से बनेगा, ये S और O यहाँ से मिल जाएगा, और एक और ऑक्सीजन ही हमारा मिल जाएगा, तो SO2 बाहर निकल गया। अब क्या बचा, ये दो में से एक क्लोरीन बचा हुआ है और यहाँ पे H बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा HCl। इस प्रकार से देखिए उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, SOCl2 को यदि इस प्रकार से ले लिया जाए, ये Cl है ना, H लिख दिया उसने, ये Cl, तो इसमें यदि हम बनाएं तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाए थायमिन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाना। फिर देखते हैं कि सिल्वर का जो सॉल्ट होता है रजत लवणों से किस प्रकार से ये बन सकता है, तो सिल्वर सॉल्ट से हम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, तो RCOAg + Cl2, सॉल्ट मतलब क्या होता है प्लस और माइनस, जहाँ पे एक साइड जीरो है ए जी क्या होता है प्लस और सी ओ क्या होता है माइनस, तो इसको हम क्या बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं। तो इस सॉल्ट में करना क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, दो क्लोरीन है, क्या करो एक क्लोरीन को दे दो आर को,
तो ये क्या बन जाएगा, आर सी। क्या बच गया आपके पास, एक और क्लोरीन। तो इस कंडीशन पे क्या करो, Ag के साथ एक क्लोरीन को जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, AgCl। और क्या बचा, CO2। तो CO2 गैस के रूप में बाहर निकाल दो, तो ये भी एक अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से इसकी जो अलग अलग निर्माण की विधि है उनमें से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये कभी कभी पूछा जाता है निर्माण की विधि को, निर्माण की विधि और इसकी रासायनिक अभिक्रिया, दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहला हमने देख लिया इसका बनाने की विधि, अब दूसरा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए क्लास में यही क्लोज कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं। यार हमने बाहर निकाल लिया पहले, क्या क्या बचे उनमें से देखिएगा। OH बचा है, एक पोटेशियम बचा है और H2SO4 बचा हुआ है। पोटेशियम को H2SO4 के साथ जोड़ दो, एक H को निकाल दो, तो यहाँ से आपके पास एक H बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, KHSO4। और यहाँ पे क्या बचा था, OH, इसको इसके साथ जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जिसमें जल के अणु अंतिम में बाहर निकलते हैं उसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। चलिए आज के लिए यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखिए।